हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्ट्रीट टारगेट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इंसुलेटिंग मटेरियल्स और अर्थिंग के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको दो पार्ट इसके अपलोड करके दे दिए हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या होते हैं और जो अच्छे मटेरियल्स होते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसके बाद मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं उनका क्रम क्या होता है, उनको भी आपको याद करना जरूरी है कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है, किसका हमें यूज कहाँ पे करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। और आज मैं आपको ये भी डिस्कस करके बता दूंगा कि अर्थिंग क्या होता है और ये कैसे किया जाता है हमारे घर में सब कुछ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएं और वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेरी हो, जो भी चैप्टर में दिक्कत हो, आप मुझसे पूछिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ नॉन कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है, प्रमुख चालकों की अचालकता तथा उनकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है किलो वोल्ट पर मिलीमीटर में इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो आपको इस पूरे जो एक क्रम दिया हुआ है इसको आपको याद कर लेना है, एक से लेकर के 18 तक, ठीक है। पहले नंबर पे क्या है, वल्केनाइज्ड रबर, इसका जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है किलो वोल्ट पर मिमी में कितना है, 30 से लेकर के 50, ठीक है। उसके बाद है एबोनाइट 30 to 40। अब जिसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा अच्छा होता है वो इंसुलेटर उतना ही ज़्यादा अच्छा कहा जाता है। मैंने बताया था डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर अच्छा है तो गुड इंसुलेटर होगा, जिसका रेजिस्टेंस अच्छा होता है वो भी अच्छा इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अच्छे इंसुलेटर की क्वालिटी मैंने बताई हुई थी। तो इस तरह से आपको इसको पूरे याद कर लेना है। अब यहाँ देख रहे हैं इंसुलेटर में सबसे नीचे क्या आ रहा है, सूखी लकड़ी आ रहा है, ठीक है। इसका कितना है, 0.4 to 0.6, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखें, उसके ऊपर प्लेट है, फिर कागज़ है, कागज़ कितना है, 1 to 10 है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जो वल्केनाइज्ड रबर होता है इसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये सबसे अच्छा इंसुलेटर माना जाएगा, ठीक है। अब इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अब आपको करना क्या है, जैसे जो मैंने ये टेबल बनाया हुआ था, ठीक है, आपको उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और उसको क्रम को कुछ मेमोरी में याद कर लेना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, टेम्परेचर के आधार पर अर्धचालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। अब देख रहे हैं टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 105 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे अचालक पदार्थ दिया गया है कि कौन सा किस टेम्परेचर पे काम कर सकता है, उससे ज़्यादा होगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो जो यहाँ पे हाई टेम्परेचर वाले हैं ये क्या होंगे, अभ्रक, चीनी मिट्टी, कांच, क्वार्ज और इनमें इनसे बने पदार्थ, ठीक है। तो ये क्या है, हाई टेम्परेचर पे भी काम कर जाते हैं, इंसुलेटर का ही काम करते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा वहाँ पे अगर इनका आप यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो वो इंसुलेटर जो हाई टेम्परेचर को भी सहन कर जाएंगे अच्छे इंसुलेटर माने जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखें तो आपको याद कर लेना है, ठीक है, पूरा का पूरा ये श्रेणी जो है याद कर लेना है, जितने वर्ग में डिवाइड हैं इनका टेम्परेचर क्या है और कौन सा किस टेम्परेचर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, तालिका थी मैंने उसको तेजी से बता दिया है, आपको बस वीडियो को पॉज करके वहीं पे उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है या तो उसको कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि अर्थिंग क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि अर्थिंग क्या होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। जो इंसुलेटिंग मटेरियल था उसका क्लासिफिकेशन, उसकी क्वालिटी, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अर्थिंग क्या होती है। तो आप देखे होंगे कोई भी घर हो, कोई भी मकान हो, ठीक है, वहां पर अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग करने के लिए दो विधियां होती हैं, ठीक है, प्लेट और ए, मैं अभी डिस्कस करूंगा विधि के बारे में डिस्कस करूंगा ही। तो अर्थिंग वाले में होता क्या है कि जो मकान बनता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है, 1.5-2 मीटर, ठीक है। गड्ढा खोदने के बाद वहां पे अर्थिंग की जाती है, मतलब क्या हुआ कि जो हमारे घर में जो फेज तार आया हुआ है, जो फेज तार आया होता है वो क्या होता है, अगर कभी कभी मान लीजिए तार कटा हुआ है और कोई अगर उस फेज तार को अगर छू लेता है तो क्या होगा, डायरेक्ट उसको शॉक लगेगा, विद्युत का शॉक लगेगा। तो शॉक से बचाने के लिए क्या किया जाता है, हर घर में अर्थिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रत्येक प्रत्येक भवन में
वायरिंग की स्थापना के अंतर्गत एक अर्थ भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। अर्थ की स्थापना मनुष्य के जीवन, भवन और मशीनों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी विद्युत चलित मशीन, घर में जितने भी मशीन हैं, उपकरण हैं, स्टार्टर हैं, मेन स्विच है, उसके धात्विक आवरणों को अर्थ किया जाता है। ठीक है, उसके मतलब धात्विक आवरणों को क्या किया जाता है, अर्थ किया जाता है, ताकि अगर मान लीजिए कहीं पे उनको कोई टच करे तो क्या करे, वो शॉक से बच सके, इसलिए क्या किया जाता है, अर्थ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, अर्थ वह साधन है जो विद्युत चलित मशीन उपकरण आदि में फेज तार के, देखिए फेज तार के उसके धात्विक आवरण से स्पर्श कर जाने की स्थिति में, अगर आदमी जो है उसके फेज तार के आवरण को अगर स्पर्श कर जाता है तो उस स्थिति में मनुष्य को विद्युत के झटके से बचाता है। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, अर्थ किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट चीज कि अर्थ संयोजन का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसको आपको याद रखना है। अर्थ जब करते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसका जो लीकेज धारा होता है, इसकी लीकेज धारा पृथ्वी में चली जाती है। ठीक है, उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, मतलब वो धारा को रोक नहीं पाता है, तो वहां से धारा को अगर वो रोक नहीं पाया और वो धारा कहाँ चली गई, पृथ्वी में, तो वो धारा कहलाती है लीकेज धारा। ठीक है, धारा लीक हो करके पृथ्वी में चली गई, तो उस धारा को क्या बोलते हैं, लीकेज धारा। तो भू संयोजन की मुख्य दो विधियां हैं, अब दोनों विधियों को मैं एक एक करके, तो देखिए पहली विधि है प्लेट अर्थिंग। ठीक है, प्लेट अर्थिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, 90 सेंटीमीटर आकार का एक गड्ढा भूतल से 1.5 से 3 मीटर गहराई तक, जब तक नमी नहीं प्राप्त कर दी जाती तब तक खोद दिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर में कि ये गड्ढा क्या किया गया है, खोदा गया है 90 सेंटीमीटर का। ठीक है, और क्या किया गया है, इसको तब तक खोदते हैं, कहीं कहीं पे देखिए नमी पहले मिल जाती है, कहीं कहीं पे बाद में मिलती है, तो जब तक नमी न मिल जाए तब तक इसको खोदा जाता है। ठीक है, खोदने के बाद इस गड्ढे में क्या किया जाता है, भू संयोजन प्लेट की ऊर्ध स्थिति में स्थापित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, प्लेट को खड़ी स्थिति में, ऊर्ध स्थिति में कॉपर प्लेट को, ठीक है, क्या कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखें 16x60 सेंटीमीटर 3.18 mm कॉपर प्लेट को क्या किया गया है, यहाँ पे देखें इस तरह से स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, स्थापित करने के बाद क्या करते हैं, भू संयोजन प्लेट के चारों ओर नमक और चारकोल की एक आंतर परतें 15 सेंटीमीटर मोटाई तक लगाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे देखें 15 सेंटीमीटर मोटाई की ये वाली जो परत है ना, ये वाली पूरी परत, वो किसकी बनी है, अल्टरनेट लेयर्स ऑफ चारकोल एंड साल्ट, नमक और चारकोल की। ठीक है, नमक और चारकोल की एकांतर परतें 15 मीटर से गए, मतलब क्या हुआ, प्लेट लगा दिया, फिर उसके बाद क्या किया, नमक और चारकोल मोटाई का 15 mm का एक दीवार चारों तरफ से लगा दिया। ठीक है, अब गड्ढे में जल डालने के लिए, अब क्या हुआ, गड्ढा आपका तैयार हो गया, तो इसमें जल डालने के लिए एक पाइप का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, देखिए एक पाइप का इस्तेमाल कर दिया गया जल डालने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसे मिट्टी से भर दिया गया, पाइप लगा करके फिर क्या किया गया, पूरे को मिट्टी से भर दिया गया। भाई आपने गड्ढा खोदा था, उसमें ये सब चीजें बना करके मिट्टी से भर दिया। भरने के बाद क्या हुआ, गड्ढे के ऊपरी सिरे पर जल पाइप को एक फनल से जोड़ दिया गया, जो जल पाइप है ना, उसको एक फनल से क्या किया, जोड़ दिया। देखिए ये फनल से क्या किया, जोड़ दिया। फनल से जोड़ने के बाद क्या हुआ, उसके चारों ओर 30x30 सेंटीमीटर सीमेंट का बॉक्स बनाकर कास्ट आयरन के ढक्कन से ढक दिया गया। तो यहाँ पे देखिए 30x30 ये वाला जो बॉक्स है, 30x30 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बना करके, ठीक है, पहले क्या किया, फनल को कवर कर दिया वायर मेज से। ठीक है, इसको पहले कवर किया, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक बॉक्स बना करके कास्ट आयरन का क्या किया, उसके ऊपर ढक दिया। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा अर्थिंग तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर इसको जो घर में वायरिंग हुई है वहां से इसको कनेक्ट कर देंगे, और अगर वहां पे कोई भी व्यक्ति अगर किसी कारणवश नंगे तार को अगर छू लेता है तो क्या होगा, उसको झटका नहीं लगेगा, इसलिए सेफ्टी के लिए इसका यूज किया जाता है हर घरों में। ठीक है, अब उसके बाद देखें दूसरी विधि क्या होती है। दूसरी विधि में क्या है कि पाइप अर्थिंग, यहाँ पे पाइप अर्थिंग का यूज होगा। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, 30x30 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा खोदते हैं, वहीं भूतल से 2.5 से 4 मीटर गहराई तक एक खोदा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गड्ढा खोदने के बाद क्या करते हैं, चारकोल और साल्ट से चारों तरफ भर देते हैं। ठीक है, भरने के बाद क्या हुआ, एक 19.5 mm डाया का पाइप लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए पाइप लगा दिया गया है। ठीक है, फिर उसको किससे जोड़ दिया गया, एक फनल से जोड़ दिया गया है। फनल से जोड़ने के बाद एक कास्ट आयरन का बॉक्स लगा दिया गया है। बस यहाँ पे मेन चीज क्या हुआ है कि जो वायरिंग हुई है ना, वो किसके जरिए हुई है, पाइप के जरिए। देखिए यहाँ पे एक अर्थ वायर, ये पाइप के जरिए है।
ठीक है, पाइप में से अर्थ वायर को दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि इस गड्ढे में भू संयोजन तार लपेटकर जीआईजी वाशर या सॉकेट से कस दिया जाता है। भू संयोजन पाइप के चारों ओर 15 सेमी नमक के डले हुए चारकोल पुल परतें जमा दी जाती है, भी ठीक है। गड्ढे में जल डालने के लिए एक पाइप तथा एक फनल लगाकर गड्ढे की मिट्टी को भर दिया जाता है। अब यहाँ पे बस क्या हुआ, पाइप अर्थिंग है ना, तो पाइप से इस्तेमाल कर दिया गया, ठीक है, पाइप के जरिए हुआ है। वहां पे प्लेट अर्थिंग था तो प्लेट को ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर यानी सीधे खड़ा करके रखा हुआ था, ठीक है, बस इतना ही फर्क है। उसके बाद बाकी चीजें वही है, कास्ट आयरन के ढक्कन से इसको ढक दिया जाता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे भी क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है अर्थिंग। तो इस चैप्टर में जितने भी डाटा थे मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिए वन बाई वन, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, जो अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं, अर्थिंग क्या होती है और अर्थिंग किन दो विधियों से की जाती है, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को जो आने वाला वीडियो है अगर उसको आपको देखना है, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।